हमारे संकल्प पत्र में कहा है उत्तर बंगाल के विकास के लिए एक बोर्ड बनाएंगे और हर साल 2000 करोड़ रुपया उत्तर बंगाल के विकास के लिए उत्तर बंगाल विकास बोर्ड को भाजपा सरकार देगी। ये नारायणी सेना जिसने सालों तक मुस्लिम आक्रांताओं से उत्तर बंगाल की रक्षा करी, वो नारायणी सेना के स्मरण में हम यहां पर एक बटालियन बनाएंगे जिसमें मेरे राजवंशी समाज के भाई होंगे और नारायणी सेना को 100 साल तक हिंदुस्तान न भूले ऐसी व्यवस्था कराएंगे। यहां पर एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। हमने तय किया है कि मोदी जी के साथ मिलकर बंगाल सरकार यहां पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। चाय बागान का सिनकोना गार्डन, फॉरेस्ट विलेज और डीआई, ये सबके निवासियों को भूमि का पट्टा सरकार बनने के 6 माह के अंदर हम देकर उनको अपनी भूमि का मालिक बनाने का काम करेंगे। मित्रों, मुझे बताओ, ये निश्चित बेटा है, हर चौथे दिन मेरे पास आ जाता है कि अमित भाई घुसपैठ की चिंता करो, घुसपैठ की चिंता करो। आप लोग घुसपैठ से परेशान हो या नहीं हो? जोर से बोलो, परेशान हो या नहीं हो? मुझे बताओ, दीदी सीएम बनती है तो घुसपैठ रोकेगी क्या? रोकेगी क्या? घुसपैठ कौन रोक सकता है? भारतीय जनता पार्टी ही घुसपैठ रोक सकती है। इतनी सारी माताएं बहनें आई हैं, मैं आपको वादा करता हूं, इंसान तो छोड़ो, वहां से परिंदा भी घुसपैठ न कर पाए ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। उत्तर बंगाल में अन्नदाता मेगा फूड पार्क हम बनाएंगे, एक चाय पार्क बनाने का निर्णय भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है और 500 करोड़ से हॉर्टिकल्चर को भी हम बढ़ावा देंगे। मित्रों, ठाकुर पंचानंद बर्मन न केवल उत्तर बंगाल, पूरे देश के संस्कृति के बड़े संरक्षक रहे। हमने तय किया है 250 करोड़ रुपया खर्च कर ठाकुर पंचानंद बर्मन का एक बहुत बड़ा स्मारक बनाएंगे जिससे पूरे उत्तर बंगाल का प्रतिनिधित्व हो। मित्रों, हमने तय किया है कूच बिहार के रास मेले को 500 करोड़ रुपया खर्च कर इसको इंटरनेशनल पॉपुलर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। उत्तर बंगाल में कोई भी बड़ी बीमारी आती है कलकत्ते जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता है? बताओ भाई, जाना पड़ता है ना। हमने तय किया है कि उत्तर बंगाल में कूच बिहार के अंदर एक एम्स बनाकर पूरे उत्तर बंगाल के बीमारों का स्वास्थ्य का चिंता करेंगे। 10,000 करोड़ का कादम्बिनी गांगुली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएंगे। हमने हर महिला को केजी से पीजी तक की शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम हमने करा है। इतनी सारी दीदी बैठी हैं, बस में जाती हो तो टिकट लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता है? जरा जोर से बोलिए दीदी, ऐसा होता है क्या? लेना पड़ता है ना। 2 मई के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, एक भी माता को, बहन को, बेटी को बंगाल में टिकट नहीं लेना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मुसाफरी करने की शुरुआत। मित्रों, ये दीदी जो है ये 3T मॉडल पर सरकार चला रही है, 3T मॉडल पर।
इसके तीन टी क्या है, एक है तानाशाही, दूसरा है टोलाबाजी और तीसरा है तुष्टिकरण। ये थ्री टी पर सरकार चलाती है और मोदी जी थ्री वी पर चलाते हैं। पहला है विकास, दूसरा है विश्वास और तीसरा है व्यापार। ये तीन वी के आधार पर हम बंगाल का विकास करेंगे। मित्रों, यहां पर ढेर सारे प्रॉब्लम है, हमने तय किया है, मोदी जी ने बागडोगरा हवाई अड्डे को इंटरनेशनल हवाई अड्डे की तर्ज पर विकास करने का तय किया है। इससे पूरे उत्तर बंगाल के अंदर ढेर सारी चीजें आएगी। मित्रों, मुझे एक बात बताओ, आप सभी लोग दीदी को जानते हो ना? जानते हो ना? दीदी के मन में आप लोगों की चिंता नहीं है, दीदी के मन में भतीजे की चिंता है, भतीजे की। वो अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती। दीदी भतीजा कल्याण में विश्वास करती है और मोदी जी उत्तर बंगाल के कल्याण में विश्वास करते हैं। भाई मुझे बताइए, भतीजा कल्याण वालों को वोट देना चाहिए, देना चाहिए क्या, या उत्तर बंगाल? आप घर में एक कमरा बनाने के लिए, बेटे का ब्याह हो गया, एक कमरा बनाना है तो सीमेंट चाहिए, उसमें कट मनी लिया जाता है, लोहा चाहिए कट मनी लिया जाता है, ईंटा चाहिए सिंडिकेट को कट मनी देना पड़ता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, 2 मई के बाद कोई कट मनी नहीं होगा, कट मनी करने वाले जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे। सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, उसको भी हम खत्म कर देंगे। मित्रों, मैं पूरे उत्तर बंगाल के लोगों को कहने आया हूं कि सबसे बड़ी समस्या आपकी घुसपैठ है, घुसपैठ। और हमने तय किया है कि सरकार बनते ही बीएसएफ के पास बैठकर, साथ बैठकर पूरी घुसपैठ को 100% रोकने का काम करेंगे, 100% रोकने। आप मुझे बताओ भाई, पहले 2 चरण के चुनाव पर नजर है या नहीं है? है ना? क्या हुआ है वहां? कमल खिला है, क्या हुआ है, क्या हुआ है? मेरी बात याद रखिए, 60 में से 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। दीदी, आपका जाने का समय आ चुका है, अब आप बच नहीं सकती है। दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार रही है। मित्रों, दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव, यहां पर उत्तर बंगाल में, उत्तर बंगाल की जनता को मैं अपील करने आया हूं कि यहां पर चुनाव में 1 भी सीट, मेरी बात ध्यान से सुनिए, माताएं बहनें भी सुने, 1 भी सीट दीदी के हाथ में नहीं जानी चाहिए, सारी सीटें मोदी जी की झोली में डालनी। बताओ भैया, डालोगे क्या? डालोगे? भ्रष्टाचार मिटाओगे? कट मनी मिटाओगे? घुसपैठ रोकोगे? विकास करने वाली सरकार लाओगे? उत्तर बंगाल के अन्याय को दूर करोगे? मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलो, सारे प्रत्याशी अगर आ जाए, निश्चित तुम भी आ गए हो, प्रत्याशी आ गया है, पहले प्रत्याशी कैंडिडेट आ गया है, जरा सभी, हमारे 5 प्रत्याशी है, 5ों प्रत्याशी को प्रचंड मार्जिन से जिताना है। जिताओगे? कमल के फूल पर बटन दबाओ, फूल पर बटन दबाओगे?
मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मित्रों फिर से एक बार चिलचिलाती धूप में हजारों हजारों की संख्या में आप आए हैं, हम ऊपर कुछ पर्दा नहीं डाल पाए, मंडप नहीं बाल डाल पाए, विशेष करकर माताओं की क्षमा मांगकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।